सो हे गाइस सर, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पायल जोन की। पैसों की भूख सुना है तुम लोगों ने? हाँ, तो ये लड़की यूट्यूबर एग्जांपल बन चुकी है इस चीज की। अब इसके कांडों के बारे में तो पता ही होगा तुम लोगों को कि ये सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ज्यादा यूट्यूब रेवेन्यू के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए यूट्यूबर्स की मरने की झूठी खबरें फैलाती है। जल्लाद का नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ, वही जो फांसी की सजा वाले मुजरमों को फांसी पर लटकाता है। हाँ, तो लगभग उसी कैटेगरी का काम करती है लड़की यूट्यूब पर। इसके सब्सक्राइबर देखने से पहले मैं नहीं जानता यार कि जल्लाद को उसके काम की वजह से कोई पसंद भी करता होगा। लेकिन इस लड़की के ऐसे ही मौत वाली वीडियोस बनाने के बाद भी 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। नहीं, इसके इतने सब्सक्राइबर देखकर ना मेरी मेहनत करके ग्रो करने की उम्मीदों पर जंग लग चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझसे एक और चीज नहीं सही जा रही है। 15 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद भी ट्रिगर निशान और सौरभ जोशी के पास 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग भी जो इनकी मौत की खबर सुनने के इंतजार में रहते हैं, फिर चाहे वो झूठी क्यों ना हो। उनके ऊपर ऐसी वीडियोस बनाकर तो उसने अपने 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर किए। शर्म करो, भगवान से डरो। अब अभी मैंने तुम लोगों को ना पायल जोन की गलतियां बताई, लेकिन गलतियों को ना लोग माफ भी कर देते हैं। और अपनी गलती को सुधारने का सबसे बड़ा तरीका होता है कि गलती का एहसास करना। पर तुम्हें पता है कि पायल जोन अपनी गलती को कैसे छुपा रही है? उन गलतियों के ऊपर हग के। मतलब पहले तो इसने सिर्फ गलतियां की थी, लेकिन अभी अपना लीचड़पना भी दिखा रही है। और मैं बताता हूं तुम्हें कैसे। अगर नहीं रही वाली वीडियो मैं बना दी तो इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। इतने ऑफेंड हो जाते, इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ये लोग कि ऐसी वीडियो बना दी, क्या हो गया? एक दिन सबको मरना है, मैंने थोड़े से पहले ऐसी वीडियो बना दी। चिल करो ना यार। हाँ, बात तो सही है कि जब सबको एक दिन मरना ही है और हमने किसी के मरने के बाद लोगों के बीच पहले ही फैला दी, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी है ना यार। नहीं, पायल जोन की इस थ्योरी से ना क्रिमिनल अच्छे खासे मोटिवेट हो सकते हैं। फिर वो भी कत्ल करने से पहले बोलेंगे कि यार जब तुझे एक दिन मरना ही है तो आज मर के मेरे ही काम आ जाओ। नहीं, तुम भी ना एक काम करो, अपने आसपास की दुकानों में जो वहाँ जितना भी खाने का सामान है उसे सारा लपेट। फिर दुकानदार अगर कुछ बोले तो उसे बोल देना कि अंकल जी, किसी और ने भी तुझे खरीद के खाना ही था और मैंने खा लिया, तो मैंने इसमें क्या गलत कर दिया? आप चिल करो ना। चिल करो ना यार। और फिल्मों में भी तो ऐसी एक्टिंग होती है कि भाई किसी हीरो को मार देते हैं, किसी को मार देते हैं, तो इतनी सीरियस होने की कोई बात नहीं, वो एक्टिंग है। इस तरीके से मेरी वीडियो आई है, इतना ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, वाह, क्या एग्जांपल दिया। अरे दीदी, ऐसे तो फिल्मों में मरने वाले लोग करोड़ों रुपए भी लेते हैं। तो आप दोगे यूट्यूबरों को करोड़ों रुपए, फिर चाहे आप उनकी मरने की बातें बता बता कर कितने भी रुपए कमा लो। दीदी चलो, आपके एक बार को लड़की होने की वजह से आपकी बात को मान भी लिया जाए, कम से कम फिल्मों में मरने और मारने वाले को ये तो पता रहता है कि क्यों, कब और कैसे मरना और मारना है। लेकिन तुम्हारे मामले में तो मरने वाले को भी तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड, एडिटिंग और अपलोड करने के बाद पता लग रहा है। दीदी मतलब देख रहे हो, अगर एक बार को तुम्हारे चक्कर में हम खुद को गवार भी बना देना तो तब भी तुम्हारी बातों का लॉजिक हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा। तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि लोग मुझे हेट करते हैं और लोग मेरे से इतना प्यार करते हैं? मैं घर से निकलती हूँ, भीड़ लग जाती है चारों तरफ कि पायल दीदी हमने आपकी वीडियो देखी, बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो, बच्चों की भीड़ लग जाती है मेरे आसपास। झूठ बोल रही है तू। अब दीदी स्कूल के गेट पर खड़ी होकर गुब्बारे बेचोगी तो बच्चे तो इकट्ठा होंगे ही ना, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के उन्हें फैंस नहीं बल्कि ग्राहक कहा जाता है। नहीं, ये दीदी फैंस की बात कर रही है, लेकिन एक बात की गारंटी है, ये लड़की दुनिया की पहली लड़की होगी जो खुद के शादी के दिन में मास्क पहनकर फोटो खिंचवाएगी। क्योंकि अगर इसने मास्क ना पहना और उसके रिश्तेदारों के बच्चों में से कोई ट्रिगर्ड इंसान या फिर सौरभ जोशी का फैन निकल गया, उसने इसे पहचान लिया, तो फिर ये गालियां सुनने से नहीं बच पाएगी। ये हमारी पायल दीदी फैंस की भीड़ की बात कर रही है। दीदी अगर कभी बिना मुंह छुपा किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में चली गई ना, तो उस दिन इसे महसूस होगा कि सब्जी मंडी में भीड़ भाड़ के बीच सड़क पर गिरे हुए टमाटर का क्या हाल होता होगा। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हमको मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और मैं तो चाहता हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आए, क्योंकि तब दीदी को पता लगेगा YouTube रेवेन्यू से कहीं ज्यादा जिंदगी की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? और तुम्हारी तो मैं कंप्लेंट जरूर करूंगी। तकेश तुम रुक जाओ, ये गाइस मेरे घर के बाहर आए थे मेरी स्कूटी चुराने के लिए, वो तो मैंने इनको पकड़ लिया था वरना मेरी स्कूटी चोरी हो जाती। हाँ, जिसके नाम पर ये व्यू चुरा रही है वो इसकी स्कूटी चुराने आया था। अरे दीदी, तुम्हारी वो बैटरी वाली स्कूटी वजन नहीं झेल पाएगी थकेश का, तो दीदी वो तुम्हारी स्कूटी चुराएगा ही क्यों? दीदी मैं तो कह रहा हूँ थकेश तो छोड़ो, आपके खुद के घर वाले भी आपकी परमिशन के बाद भी आपकी स्कूटी पर हाथ नहीं लगाते होंगे, क्योंकि उन्हें भी पता कि अगर कोई हेटर पायल जोन फिर उसकी स्कूटी को पहचानता होगा, उसकी नजर में वो स्कूटी पड़ गई तो फिर स्कूटी में जाकर वापस लौटना नामुमकिन हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब इनको लगता है कि भाई हम लोग गैंग बना के इस लड़की के ऊपर चढ़ जाते हैं, ये तो अकेली लड़की है, हार मान के चली जाएगी, यूट्यूब से भाग जाएगी, नहीं जाऊंगी मैं। अरे दीदी, अगर इतने रोश वीडियोस के बाद भी आप YouTube छोड़कर नहीं जानना चाहती हो ना, तो इसमें आपकी हिम्मत से ज्यादा लालच का हाथ है। नहीं, जब सिर्फ घर बैठे बैठे बिना ज्यादा कुछ हाथ पैर मारे सिर्फ गाले सुनने की वजह से आपको लाखों में व्यूज और पैसे मिल रही हो, तो आप YouTube छोड़कर क्यों जाओगी? खैर, तो चलो यार, बस इस वीडियो को फिलहाल अपन लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। बाकी अपन लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक लिया टाटा, बाय बाय।